आईजी कार्यालय पर सिख समाज ने ज्ञापन दिया है। पिछले दिनों सिख व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, लेकिन घटना स्थल के आसपास लगे पुलिस के कैमरे बंद मिले, जिससे वाहन चालक की तलाश नहीं हो सकी। इससे नाराज समाजजनों ने आईजी के नाम ज्ञापन दिया और आरोपी को पकड़ने की मांग की है। पिछले दिनों तुकोगंज थाना क्षेत्र के रीगल चौराहे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से इमली साहब गुरुद्वारे से पैदल अपने घर की तरफ जा रहे इंदर सिंह नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी। जब वाहन की तलाश में पुलिस के साथ साथ परिजन और समाजजनों ने रीगल चौराहे के कैमरे चेक किए तो सभी कैमरे बंद मिले, जिससे समाज में आक्रोश भी पैदा हो गया। वहीं कैमरे बंद होने के चलते आज सिख समाज ने आईजी के नाम ज्ञापन देकर मांग की है कि पुलिस मृतक को न्याय दिलाते हुए आरोपी को पकड़े और कैमरों को भी चालू करे, ताकि कोई घटना होती है तो इन कैमरों की मदद मिल सके। सर, हमने आईजी साहब से एक तो चौराहे के जो कैमरे बंद पड़े हैं और उसकी जो क्वालिटी खराब है उसको लेके हमने क्वेश्चन करा है कि इसका उसमें सुधार किया जाए। आज हमारे परिवार में ये घटना इतनी बड़ी घटित हो गई है, अन्य किसी के साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटे। कल को कोई बड़ी घटना चौराहे पर हो जाए तो आप उसको ट्रेस ही नहीं कर पाएंगे। हमारे परिचित हैं इंद्रजीत सिंह भाटिया जत्थे के, निष्काम सेवा सोसाइटी के जो जत्थेदार थे। उनका 4 तारीख सुबह दिवाली वाले दिन सुबह एक्सीडेंट हुआ है। अभी तक कोई गाड़ी का पता नहीं। तमाम कैमरे सब देखने, ये कैमरे बंद मिले हमें रीगल के, जो मेन कैमरे चाहिए सब बंद मिले।